हाउ टू इरेज ए लॉस्ट फोन बाय जीमेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक शो करके बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना जो फ़ोन है, ठीक है, आपका जो लॉस्ट फ़ोन है उसको आप कैसे करके इरेज कर सकते हैं बाय जीमेल। ठीक है, कुछ केसेस में दोस्तों हमें फ़ोन मिल जाते हैं लेकिन कुछ केसेस में नहीं मिलते। तो अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए इरेज करने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, आपके जो फ़ोन है वो गुम होने के बाद में, तो फिर दोस्तों बाय जीमेल आप कैसे उस फ़ोन का सारे डेटा को इरेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कुछ रिक्वायरमेंट्स होगा दोस्तों, अगर वो होगा आपके मोबाइल पे कंप्लीट, तब जाके दोस्तों आप एक मोबाइल फ़ोन को जो कि गुम हो चुका है उसको आप इरेज कर पाओगे बाय जीमेल। ठीक है, अगर आपने भी आपके मोबाइल पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए अगर वो आपने कर रखा है तो डेफिनेटली आप ये चीज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना जीमेल लॉगिन कर लेना है मोबाइल पे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको उस जीमेल का मैनेज अकाउंट पे जाना है, मैनेज अकाउंट, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सिक्योरिटी पे आ जाइए। ठीक है, उसके बाद में आपको मिलेगा फाइंड ए लॉस्ट डिवाइस, तो इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को जस्ट वंस करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका जो फ़ोन लॉस्ट हुआ है उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप साउंड प्ले कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं डिवाइस को, ठीक है, और इरेज कर सकते हैं डिवाइस को। तो इरेज करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो थर्ड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने से होगा क्या, आपका जो मोबाइल है वो इरेज हो जाएगा, यानी कि सारे डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आके इसको इरेज कर सकते हैं। आप लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इरेज करना है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद आप इरेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कोई डिवाइस को इरेज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या होगा, सबसे पहले चीज़ आपके उस दूसरे मोबाइल पे, ठीक है, जो मोबाइल आपका लॉस्ट हुआ है उस मोबाइल पे आपको ईमेल साइन आउट नहीं करना है जल्दी से। ठीक है, आपको जल्दी से ईमेल साइन आउट नहीं करना है, आपको वहाँ पे ईमेल सेट करके रखना होगा और उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। तो ईमेल जो है दोस्तों दोनों मोबाइल पे लॉगिन होना चाहिए, जो फ़ोन लॉस्ट हुआ है उसमें भी लॉगिन होना चाहिए और आपके मोबाइल पे लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, दूसरे मोबाइल पे। तो अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आपका जो है कंप्लीट रहते हैं तो आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप FIR वगैरह भी कर सकते हैं इसके रिलेटेड में, ठीक है, ताकि आपके जो फ़ोन है उसको लोकेट किया जा सके, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों अगर आपको एक मोबाइल को अगर जीमेल से इरेज करना है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।